नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश, आपका शिवानी स्टोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 41 है। इसमें मैं आपको षडबल के बारे में बताने जा रहा हूं। षडबल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो षडबल के ऊपर होती है, किस ग्रह में कितना बल है। ग्रह अगर बली होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रह कभी भी अपनी दिशा में दो तरह के फल देता है, एक तो अपने स्वभाव के अनुसार, दूसरा अपने स्थान या अपने जहां भाव है जिनका वो स्वामी है उसके अनुसार वो बल देता है। यानी अगर किसी ग्रह को तीसरा और छठा भाव मिला है तो वो तीसरे और छठे भाव के फल भी करेगा, और साथ ही साथ जो उसके स्वतंत्र कारकत्व हैं, उसके जो अपने इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मंगल की है लड़ाई झगड़ा है या उग्रता है या थोड़ा क्रोध है, अधीरता है, तो वो चीज़ भी अपने आप ही मिलेगी इसके अंदर। शनि, जैसे शनि है, शनि मान लिया त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, बहुत अच्छे घरों का स्वामी है, उसके बावजूद भी शनि की दशा में आपको दुख मिलेगा क्योंकि शनि आपके दुख का कारक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी ग्रह के रिजल्ट मिलते हैं तो वो मिलते हैं इस बात पे कि वो किन घरों का स्वामी है, उसके रिजल्ट, एंड नंबर टू उसके अपनी गुणों के रिजल्ट, जो ग्रह के गुण होते हैं उनके रिजल्ट मिलते हैं। तो षडबल में बहुत इस्तेमाल इन चीज़ों का होता है। षडबल में क्या इस्तेमाल होता है कि अगर आप षडबल से ये मालूम कर सकें कि कौन सा ग्रह कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है जो ग्रह स्ट्रांग होगा उसे कारकत्व भी आपको अच्छे मिलेंगे, जो उस ग्रह के गुण हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, उस ग्रह के कारकत्व हैं आपको अच्छे मिलेंगे, बल्कि उस ग्रह के जो भाव हैं उनका रिजल्ट भी आपको थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर वो मान लिया तीसरे और छठे भाव का स्वामी भी है और गलत रिजल्ट दे रहा है, तो उस केस में भी आपको थोड़ा, अगर छठे भाव का है तो हो सकता है कि आपको ऋण तो लेना पड़े लेकिन ऋण चुकाने की क्षमता भी आपको देगा अगर ग्रह बली है। तो बली देखना भी बहुत आवश्यक है कि ग्रह बली है या क्या है। तो बली देखने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, सिंपल तरीके तो वही होते हैं कि थंब रूल के सिंपल ये देख लीजिए कि उच्च का बैठा हुआ है मूल त्रिकोण राशि में है या स्वय राशि में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है या अष्टक वर्ग में चार पॉइंट से ज़्यादा लेके उसके पास है, या कि अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है या किसी मित्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग ग्रह का बली होना वो देख लेते हैं कि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ कतरी योग में है या नहीं है, तो उस बेसिस पे देख लेते हैं। लेकिन जब आप षडबल के हिसाब से वो सारे बल देखेंगे तब आपको लगेगा कि वहाँ तो हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे, उसके अलावा कितने ऐसे बल हैं जिनके बेस पे ये डिसाइड होता है कि ग्रह बली है या ग्रह निर्बल है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को छह भाग में समेट दिया है, छह पार्ट में, इसलिए इसको षड बल बोलते हैं। षड मीन्स सिक्स और बल मीन्स फोर्स, छह बल बोलते हैं इनको। तो छह बलों के अंदर समेट दिया है सारी चीज़ों को। जैसे हर बल के अंदर, जैसे ये स्थान बल है, इसके अंदर भी छः सात बल होते हैं अलग अलग टाइप के। दिग बल है, इसमें अलग बल होते हैं। काल बल है, इसमें भी छः सात टाइप के अलग बल होते हैं। तो ऐसे करके जितने ये बल हैं, छः बल हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट भागों में, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा छः बल ये वाले हैं। अब इन बलों के अंदर कैसे दूसरे बल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा केवल एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि षडबल क्या है। षडबल को कैसे रेफर करते हैं, जैसे हम रुपये को रेफर करते हैं 100 पैसे बोलते हैं, एक रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा। इसी प्रकार बल का जो, ग्रहों का बल की जो यूनिट होती है दैट इज रूपा, 1 रूपा। जैसे लंबाई की यूनिट मीटर होती है, इसी प्रकार से रूपा भी उसकी यूनिट होती है, बल की यूनिट होती है। तो एक रूपा, जैसे एक रुपये में 60 पैसे होते हैं, तो एक रूपा में, यानी ये यूनिट हो गई 1 रूपा, 1 रूपा ये बल की यूनिट है। इसमें 60 षष्ट्यांश होते हैं। षष्ट्यांश मीन्स मतलब पैसे की फॉर्म आ गई कि एक रुपया है और उसके 100 पैसे हैं, तो बल में एक रुपया है वो 60 पैसे के बराबर है, यानी 60 षष्ट्यांश के बराबर है, ये बल होता है। तो ये टोटल हम लोग निकालते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी ग्रह को मैक्सिमम बल कितना मिल सकता है। कोई भी ग्रह अगर सब चीज़ के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट ले रहा है, जो जो चीज़ें क्वालिफिकेशन है, वो क्राइटेरिया है बली होने के, वो सब कुछ फुलफिल कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम 18.5 रुपए का बल मिल सकता है। 18.5 रुपए
का बल मिल सकता है। अब लगा लीजिए आप 18.5 रूपा, तो ऐसा कैसे, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं बताता हूं, स्थान बल की जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है 480 षष्ट्यांश, यानी 480 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो रूपा में आ जाएगा। तो 480 षष्ट्यांश इसकी स्थान बल की फोर्थ बल होता है। दिग्बल होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, कि कौन से ग्रह किस डायरेक्शन में अच्छे ज़्यादा स्ट्रेंथ लेंगे, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, पूर्व में कौन सा, दक्षिण में, तो उसको 60 षष्ट्यांश का बल मिलता है ग्रह को। काल बल, एक काल बल होता है कि उत्तरायण में ग्रह हैं, दक्षिणायन में ग्रह हैं, किस तरीके से ग्रह आपके बहुत सारे इसके अंदर बल आते हैं काल बल के अंदर। तो दिन में जन्म है, रात को जन्म है, नतोन्नत बल बोलते हैं उसको, दिन के प्रथम भाग में जन्म है, रात्रि के प्रथम भाग में जन्म है, डिफरेंट डिफरेंट भाग किए होते हैं दिन रात्रि के, तो वो सब चीज़ें हमारी काल बल में आती है। फिर चेष्टा बल में हमारा ग्रह वक्री है तो उसको बल मिलता है 60 षष्ट्यांश का। नैसर्गिक बल, कुछ बल ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे सूर्य सबसे ज़्यादा बलशाली है, ग्रहों का राजा है, सबको रोशनी वही देता है, तो इसलिए सूर्य को सबसे ज़्यादा बल मिला होता है। उसके बाद चंद्रमा को मैक्सिमम बल मिलता है, उसके बाद इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों को बल मिलता है। जो जो ग्रह बहुत दूर होते हैं जैसे शनि होता है, तो उसका नैसर्गिक बल कम हो जाता है। फिर आता है दृग्बल मीन्स दृष्टि बल, ये एस्पेक्ट जो होती हैं ग्रह के ऊपर, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो पॉजिटिव फोर्स मिल जाता है, और अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो नेगेटिव फोर्स मिल जाता है। ये मैक्सिमम 60 षष्ट्यांश का हो सकता है। तो कुल मिला के हमने इसमें ये टोटल षष्ट्यांश लिखे हैं, टोटल मिला के 1110 षष्ट्यांश आते हैं, 1110, जिसको 60 से डिवाइड करें तो 18.5 रूपा। यानी कोई ग्रह अगर हर चीज़ में परफेक्ट हो, सब चीज़ों को परफेक्टली वो ले, टॉप नंबर्स ले, तो 18.5 रूपा का उसका बल आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, बहुत कम आते हैं। 6 रुपया आता है, कोई 7 रुपया आता है, कोई 5 रुपया आता है, ऐसे बल आते हैं सारे इसके अंदर, अगर आप षटबल की टेबल देखेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 18.5 रुपया बल के अंदर, 18.5 रुपया बल के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, अगर वेटेज देखें तो स्थान बल की है। 43% वेटेज इसमें सिर्फ स्थान बल की है, यानी करीब करीब आधी से थोड़ी सी कम वेटेज तो केवल इसी की है, स्थान बल की। तो अगर आप देख लीजिए कि स्थान बल आपका ठीक आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके वैसे ही वारे न्यारे होते हैं, वैसे ही ग्रह बहुत बली हो गया। उसके अलावा जो मैक्सिमम वेटेज किसकी है, 35% वेटेज है काल बल की। यानी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान बल और काल बल। अगर स्थान बल और काल बल अच्छा मिल गया किसी भी ग्रह को, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाकी की जो वेटेज है वो केवल 5% की है, 5.4, 5.4, 5.4, 5.4, तो बाकी की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी सारे। लेकिन जो मैक्सिमम वेटेज आती है वो स्थान बल की आती है 43%, और उसके बाद काल बल की आती है 35% वेटेज जो कि इसकी आती है। तो ये दो बल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये अगर आप देखना सीख गए कि कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, या कैसे इनको निकालते हैं, या ये दिग्बल और विद्बल सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आपको एक अच्छा फेयर आइडिया लग जाएगा कि ग्रह आपका बली है या नहीं है। आपको बहुत डिटेल मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है इसके, लेकिन मैं आपको फिर भी डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, बहुत डिटेल मैथ्स में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, अदरवाइज तो कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएंगी, उतना यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं है, वो कंप्यूटर से बन जाती हैं। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि जो भी कैलकुलेशंस की हैं या जो हमने बल निकाला है वो किस बेसिस पे निकला है और कैसे निकला है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इस तरह से 6 बल होते हैं, और ये 480 षष्ट्यांश का, ये 60 का, ये 390 का, 60, 60, 60, टोटल 1110 षष्ट्यांश का बल होता है। 18.5 रुपया किसी ग्रह को मैक्सिमम बल मिल सकता है, 43% वेटेज केवल इसी की होती है स्थान बल की, काल बल की 35.3% वेटेज होती है, और इस तरीके से बाकी बलों की वेटेज जो है वो सिंपली 5.4, 5.5 होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होती। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्थान बल क्या है, दिग बल क्या है, काल बल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बल रिपीट होते हैं, तो उसको मैं बताता रहूँगा आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में, 3-4 वीडियोज़ इसके अंदर बनेंगे, चूँकि थोड़ा डिटेल में सब्जेक्ट है, एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर भी मैं इस वाले में वीडियो में आपको एक दिग बल के बारे में बताता हूँ, या चेष्टा बल के बारे में बता देता हूँ, जो सिंपल छोटे हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दिग बल और चेष्टा बल। दिग्बल और चेष्टा बल क्या होता है, देखिए दिग्बल क्या होता है ये आप ध्यान रखिए,
कि जैसे कोई ये कुंडली है, सपोज कीजिए हमने ये कुंडली बना ली, यहां पे कोई भी कुंडली बना सकते हैं आप। मान लीजिए कि कुंडली ये मेष लगन की कुंडली है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, वैसे ही आप कोई भी लग्न की कुंडली इसको ले सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये नंबर ना भी लिखे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, इससे कुछ नहीं होता। तो देखिए हमारी डायरेक्शंस कैसे होती हैं, हमारी डायरेक्शंस होती हैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर इस डायरेक्शन को उल्टा कर दें हम, क्योंकि कुंडली को हम लग्न को हम दिखाते हैं कि जो पूर्व दिशा में राशि उदित होती है वो लग्न कहलाती है, जो पूर्व दिशा में होती है ईस्ट में उदित होती है। तो अगर हम ईस्ट को ऊपर कर लें, यानी ईस्ट चला गया ऊपर, ईस्ट चला गया ऊपर तो नीचे वेस्ट आ गया, ईस्ट ऊपर चला गया तो नीचे वेस्ट आ गया, और नॉर्थ किधर आया फिर आपका, ये देखिए ये लाइन आपकी ऊपर चली गई, घूम के चली गई, तो ये लाइन ऐसे घूम गई, तो नॉर्थ आपका इधर आ गया, साउथ आपका इधर आ गया। यानी हम डायरेक्शंस को ऐसे भी मान सकते हैं, कुंडली इस डायरेक्शन में बनी होती है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, यानी ये दिशा ईस्ट कहलाती है, ये दिशा नॉर्थ कहलाती है, ये दिशा वेस्ट कहलाती है, और ये दिशा साउथ कहलाती है। ये आप ध्यान रखिए, ये कुंडली बनी होती है। तो दिग्बल में क्या होता है कि बुध दो ग्रह होते हैं, बुध और गुरु, ये आपका मैं ईस्ट कर दूं इसको, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बुध और गुरु ये दो ग्रह ईस्ट में बली होते हैं पूर्व दिशा में, या यूं कहिए कि लग्न में, किसी के भी लग्न में अगर बुध और गुरु रह बैठे हों तो उनको बल मिलता है 60 सष्ट्यांश का। तो लग्न में होना किसी ग्रह का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सष्ट्यांश से जो बल मिलता है वो मिलता है भाव मध्य पे। भाव मध्य मतलब समझ लीजिए क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि लग्न का मान जो है 15 डिग्री है या 16 डिग्री है लग्न का मान, तो अगर 16 डिग्री के ऊपर ही बुध बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है लग्न के अंदर तो उनको 60 सष्ट्यांश बल मिलेगा, और जब बुध और गुरु वेस्ट में बैठे होंगे तो उनका बल बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, और इसके बीच में प्रोपोर्शनेटली इनका बल निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पे 0 है तो इस वाले खाने में कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायरेक्टली अब 180 डिग्री ले सकते हैं आप कि 180 डिग्री पे हमारा 0 हो जा रहा है बल बिल्कुल, तो 30 डिग्री पे कितना होगा, फिर 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, ऐसे करके आप आगे निकाल सकते हैं सारा, इसके अंदर प्रोपोर्शनेटली निकाल सकते हैं। तो बुध और गुरु लग्न में बली होते हैं, शुक्र और चंद्रमा नॉर्थ में यानी कि चौथे भाव में बली होते हैं, शनि वेस्ट में यानी शनि सातवें भाव में बलि होता है, और सूर्य और मंगल साउथ में यानी कि आपके दसवें भाव में कुंडली के बलि होते हैं। तो अगर ये ग्रह ऐसे तरह से बैठे हों तो इनको 60 सष्ट्यांश का बल मिलता है हर ग्रह को, और जो दिग्बल की टोटल वैल्यू 60 सष्ट्यांश है, कोई ग्रह मैक्सिमम 60 सष्ट्यांश का बल ले सकता है। तो अगर हम किसी भी ग्रह को देख रहे हों, सपोज अगर हम बुध को देख रहे हैं, बुध का बल हम निकाल रहे हैं, तो ये हम देखें कि बुध अगर लगन में बैठा है तो 60 सष्ट्यांश का बल मिलेगा, बुध अगर नीचे आ गया तो 0 मिलेगा, और बुध यहाँ आगे बढ़ गया कहीं पे तो उसको प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि यहाँ से यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम, और यहाँ आते आते 0 हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे उसका बल कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं दिग्बल। तो बुध और गुरु को लग्न में दिग्बल मिलता है, शुक्र और चंद्र अगर चौथे भाव में बैठे हों तो उनको 60 सष्ट्यांश का बल मिलता है, अगर यही दो ग्रह दसवें भाव में आ जाएं तो इनको 0 बल मिलेगा, अपोजिट सातवें भाव में आ जाते हैं तो शनि को सातवें भाव में 60 सष्ट्यांश का बल मिलता है, लेकिन शनि अगर लग्न में चला जाए तो उसको 0 बल मिलेगा, और सूर्य मंगल को दसवें भाव में 60 सष्ट्यांश का बल मिलता है, और इसके अलावा सूर्य मंगल अगर आपके इस वाले भाव में आ जाते हैं, अपने से सातवें भाव में आ जाते हैं, तो उस केस में इनका सूर्य मंगल को भी 0 बल मिलेगा। तो ये हमारा होता है दिग्बल, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो किस किस डायरेक्शन में किसको बल मिलता है। दूसरा बल आता है चेष्टा बल।
चेष्टा बल, ये तो आपको समझ गए होंगे, चेष्टा बल मैं आपको बता देता हूं। चेष्टा बल का मतलब होता है ग्रह, ग्रह जब वक्री होता है, ग्रह जब वक्री होगा तो उसको 60 सस्टियांस का बल मिलता है, 60s लिख दिया है मैंने यहां पे। देखिए चेष्टा बल की वैल्यू है टोटल 60 सस्टियांस, यानी जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाएगा कुंडली के अंदर तो समझ लिए 60 सस्टियांस का बल उसे मिलेगा। लेकिन क्या वक्री, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, ग्रहों के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ग्रह वक्री है, ग्रह अनुवक्री है, ग्रह विकल है, ग्रह मंद है, ग्रह मंद से तेज है, कैसा है, तो उन पे बल डिपेंड करता है, वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन ग्रह अगर वक्री होता है तो उस केस में 60 सस्टियांस का बल मिल जाता है ग्रह को। तो कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो वो बली हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 60 सस्टियांस का बल आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने आपको अभी छोटा छोटा ये बताया है दो बलों का, अब मैं आपको स्थान बल, काल बल, दृक् बल और नैसर्गिक बल के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान जरूर रखिए कि ये 6 बल हैं और इन 6 बलों की ये वेटेज है, और उसमें इन वेटेज में स्थान बल और काल बल, ये दो बल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैक्सिमम वेटेज ले लेते हैं, यानी कि जो 43 और 35 यानी 80% वेटेज तो सिर्फ यही ले लेते हैं टोटल। और इस तरह से मैंने आपको बल बताया कि एक रूपा वैल्यू होती है, इसमें 60 सस्टियांस होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझना है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।